दोस्तों आज की डेट में तो हर कोई छोटे मोटे ट्रांजेक्शन करने के लिए पेटीएम, गूगल पे या फोन पे से यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं, लेकिन इन एप्लीकेशन से यूपीआई ट्रांजेक्शन करने पे यूज़र को कोई खास बेनिफिट नहीं होता। कभी कभार स्क्रैच कार्ड मिल जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच करने पे बेटर लक नेक्स्ट टाइम लिखा आता है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को ऐसे एक एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, अगर आप लोग उस एप्लीकेशन के जरिए यूपीआई ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको गारंटेड हर एक ट्रांजेक्शन के लिए अप टू 2.5% का कैशबैक मिलेगा। अगर आपको किसी को पेमेंट नहीं करना है तो आप अपने आप को ही पेमेंट सेंड करके उस एप्लीकेशन से डेली कैशबैक कमा सकते हो। तो कौन सा वो एप्लीकेशन है, कितने ट्रांजेक्शन पे कैशबैक मिलता है और डेली कितनी बार कैशबैक मिलता है, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो को आखिर तक देखते रहना, कोई भी स्टेप मिस मत करना। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले प्ले स्टोर से पेबैक एप्लीकेशन डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। दोस्तों पेबैक एक लॉयल्टी रिवॉर्ड प्रोग्राम है, काफी सारे ब्रांड और बैंक के साथ इनका टाई अप है। दोस्तों एप्लीकेशन ओपन होने के बाद आपको अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना होगा। अगर आप एक न्यू यूजर है तो सबसे ऊपर आपको साइनअप का ऑप्शन मिल जाता है। साइनअप ऑप्शन पे क्लिक करके कुछ डिटेल्स फिल करके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों एप्लीकेशन लॉगिन होने के बाद एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ ऐसा होगा। आपको यहीं पर स्कैन एंड पे का ऑप्शन मिल जाता है। मर्चेंट को पेमेंट करने के लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। दोस्तों अगर आप लोग पेबैक एप्लीकेशन से फर्स्ट यूपीआई ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लेंगे तो आपको 50 बोनस पॉइंट मिलेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हो, तो मैंने खुद का ही अपना क्यूआर कोड स्कैन किया है, 100 रुपए एंटर करता हूं। अब 100 रुपए पेमेंट करने के लिए मुझे 5 पेबैक पॉइंट मिलेंगे। अब ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने के लिए आपके फोन में जितने भी यूपीआई एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा सबका लिस्ट यहां पे आ जाएगा। आप किसी भी एप्लीकेशन को सिलेक्ट करके ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर सकते हो। पेबैक एप्लीकेशन में बैंक अकाउंट लिंक करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है और आप लोग यहां पे देख सकते हो मुझे 55 पॉइंट मिल चुका है, 50 पॉइंट बोनस के और 5 पॉइंट ट्रांजेक्शन करने के लिए। दोस्तों अगर आप लोग फोन पे, गूगल पे या पेटीएम जैसे मर्चेंट का क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करोगे तो 100 रुपए पेमेंट करने के लिए आपको 5 पेबैक पॉइंट मिलेंगे। लेकिन अगर आप लोग भारत पे का क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करोगे तो आपको 100 रुपए पेमेंट करने के लिए 10 पेबैक पॉइंट मिलेंगे। तो दोस्तों इसलिए जब भी आप किसी मर्चेंट को पेमेंट करोगे, अगर उनके पास भारत पे का क्यूआर कोड है तो भारत पे का क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करना, इसमें आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। दोस्तों एक दिन में मैक्सिमम 6 ट्रांजेक्शन का ही पॉइंट मिलेगा और पूरे महीने में टोटल 50 ट्रांजेक्शन का पॉइंट मिलेगा। दोस्तों अगर आप लोग पेबैक एप्लीकेशन से खुद को ही पेमेंट करके डेली कैशबैक कमाना चाहते हो तो प्ले स्टोर से भारत पे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो और इस एप्लीकेशन से आप लोग अपना एक मर्चेंट बना लो। अगर आप लोगों को नहीं पता कि भारत पे का मर्चेंट कैसे क्रिएट करते हैं, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं 1 साल पहले। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके देख लेना और भारत पे का मर्चेंट क्रिएट कर लेना। दोस्तों पेबैक एप्लीकेशन से सिर्फ पेमेंट सेंड करके आप लोग पॉइंट नहीं कमा सकते, और भी कई सारे ऑप्शन है पेबैक पॉइंट कमाने का, जैसे कि सर्वे। दोस्तों पेबैक एप्लीकेशन में टाइम टू टाइम एक सर्वे आते हैं, अगर आप लोग उस सर्वे को कंप्लीट करते हो तो आपको एक एक सर्वे कंप्लीट करने के लिए 50 पॉइंट मिलते हैं। तो सर्वे कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पे एक बैनर दिखेगा, बैनर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे कि मेरे सामने 3 सर्वे है, अगर ये तीनों सर्वे कंप्लीट कर लेता हूँ और सही आंसर देता हूँ तो टोटल मुझे 150 पॉइंट मिलेंगे। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने तीनों सर्वे कंप्लीट कर लिया है और मुझे तीनों सर्वे कंप्लीट करने के लिए टोटल 110 पॉइंट मिला है। दोस्तों इसके अलावा अगर आप लोग पेबैक एप्लीकेशन के जरिए Amazon, Flipkart जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट पे शॉपिंग करोगे तो उसके लिए भी आपको अलग से पेबैक पॉइंट मिलेंगे। दोस्तों ऑफर के टर्म एंड कंडीशन में आपको दिख जाए कि कौन से कैटेगरी के ट्रांजेक्शन पे आपको कितना पेबैक पॉइंट मिलेगा। पेबैक एप्लीकेशन के जरिए Amazon पे शॉपिंग करती हो, मोबाइल वगैरह परचेस करती हो तो आपको 100 रुपए स्पेंड करने के लिए 4 पॉइंट मिलेंगे। दोस्तों इसके अलावा अगर आपके पास ICICI बैंक का सेविंग अकाउंट है या फिर ICICI बैंक का प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड है तो आपको क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करने के लिए ICICI बैंक कुछ पेबैक पॉइंट देते हैं। तो आप लोग इस एप्लीकेशन के जरिए उन पॉइंट को देख भी सकते हो और यहां से रिडीम भी कर सकते हो। दोस्तों अब तक हमने जाना कि पेबैक एप्लीकेशन से पॉइंट कैसे कमाते हैं, अब हम जान लेते हैं कि इन पॉइंट्स को रिडीम कैसे करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरे पास 364 पॉइंट है, एक पॉइंट की वैल्यू 25 पैसा होता है। दोस्तों पॉइंट को रिडीम करने के लिए आपको सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना होगा। आपको यहाँ पे मिलेगा रिडीम पॉइंट का ऑप्शन, सबसे ऊपर आपको मिलता है इंस्टेंट वाउचर का ऑप्शन और आपको यहाँ पर 100 से भी ज्यादा टॉप ब्रांड के लिस्ट मिलेंगे। आपको जो ब्रांड पसंद है उस ब्रांड का आप लोग इंस्टेंट वाउचर ले सकते हो। अगर आपको इंस्टेंट वाउचर नहीं लेना है तो आप लोग पॉइंट्स को रिडीम करके कोई प्रोडक्ट भी परचेस कर सकते हो। उसके लिए आपको रिवॉर्ड कैटलॉग के ऊपर क्लिक करना होगा।
जैसे कि पेन ड्राइव ले सकते हो आप 2601 पॉइंट पे, अमेजोन फायर टीवी, सैमसंग का मोबाइल या फिलिप्स का ट्रिमर और भी बहुत सारे प्रोडक्ट आप पॉइंट्स को रिडीम करके ले सकते हो। दोस्तों अगर आपके पास प्रोडक्ट परचेस करने के लिए इतनी ज्यादा पॉइंट नहीं है तो आप अपने पेबैक पॉइंट से अपने मोबाइल नंबर या फिर डीटीएच रिचार्ज कर सकते हो। अगर आप लोग पेबैक पॉइंट को रिडीम करके मोबाइल या फिर डीटीएच रिचार्ज करोगे तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा कन्वीनियंस फी चार्ज देना होगा। दोस्तों अगर आप लोग पेबैक पॉइंट को कैश में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए भी एक ट्रिक है। पेबैक पॉइंट को कैश में कन्वर्ट करने के लिए आपको प्ले स्टोर से मोबीक्विक एप्लीकेशन डाउनलोड करके ओपन करना होगा। जिस नंबर से आपका पेबैक अकाउंट है उसी नंबर से आपको मोबीक्विक एप्लीकेशन लॉगिन करना होगा। एप्लीकेशन लॉगिन होने के बाद आपको सबसे ऊपर सर्च का ऑप्शन मिल जाता है। सर्च ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे और आपको यहाँ पे सर्च करना होगा पेबैक, रिडीम पेबैक का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। आपका पेबैक कार्ड नंबर शो हो जाएगा, आपके कार्ड में जितने पॉइंट्स है उन पॉइंट्स की क्या वैल्यू है वो भी शो हो जाएगा। अब पॉइंट्स को रिडीम करने के लिए आपको कार्ड नंबर के ऊपर क्लिक करना होगा। आप लोगों के सामने ऐसा पेज आएगा। अब आपको जितना अमाउंट रिडीम करना है आप अमाउंट एंटर कर देना, पेबैक कार्ड का 4 डिजिट का पिन एंटर कर देना, नीचे मिलेगा रिडीम का ऑप्शन, रिडीम ऑप्शन पे क्लिक करना। आपका पेबैक पॉइंट रिडीम होके मोबीक्विक वॉलेट में पैसा ऐड हो जाएगा। मोबीक्विक वॉलेट में पैसा ऐड हो चुका है। अब आप इस पैसे से रिचार्ज करो, बिल पेमेंट करो या फिर वॉलेट टू बैंक ऑप्शन पे क्लिक करके वॉलेट का पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करो, वो आपकी मर्जी है। तो दोस्तों इसी तरह से आप लोग पेबैक एप्लीकेशन से पॉइंट अर्न करके रिडीम कर सकते हो और उन पैसे को कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हो। आप चाहे तो खुद को पेमेंट सेंड करके डेली कैशबैक कमा सकते हो। QR कोड स्कैन करके 100 रुपए ट्रांसफर करो और आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। 10 रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 2.5 रुपए होता है, मतलब 2.5% का आपको कैशबैक मिलेगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। बस आज के लिए इतना ही था, मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।